जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो बहुत सावधानी से सुनना। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देगा। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आ रही, करवटे बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार, बस महा, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोओगे, गोली खाने की जरूरत नहीं, एक हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता आए, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे उठोगे, रात को सोए नींद ही नहीं। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा, जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए, उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। महाराज, जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो, या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करे, और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते, थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है, कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहु, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो, तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो, और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रम्भेश्वर महादेव का इतना प्रमाण, भगवान शंकर का एक अवतार श्रम्भेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना, श्रम्भेश्वर महादेव। अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्च, आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मदरा पान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्च श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए, और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है, श्रम्भेश्वर महादेव का इतना प्रभाव। पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है, जल जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है, वो स्थान, जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना जलाधारी में, फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है वहां जल चढ़ाइए, चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। जिस दिन घर में अच्छा ना लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छींक दो। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा करो। घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो, करते रहो। टोनी ने फेसबुक पे कहा कि काजू उसे सोने नहीं देता था। किसी ने कहा